आपका पहला सवाल है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आपका ऑप्शन है ए 17 बार, बी 15 बार, सी 18 बार, डी 12 बार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 17 बार। आपका दूसरा सवाल है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान में, बी भारत में, सी अमेरिका में, डी नेपाल में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान में। आपका तीसरा सवाल है, पटना किन नदियों के किनारे बसा है? आपका ऑप्शन है ए गंगा और गंडक, बी गंगा और बागमती, सी बागमती और पुनपुन, डी पुनपुन और गंडक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गंगा और गंडक। आपका चौथा सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? आपका ऑप्शन है ए सालिशुक, बी संपदीय या संप्रति, सी बृहद्रथ, डी अर्थशास्त्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बृहद्रथ। आपका पांचवा सवाल है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 21, बी 18, सी 20, डी 11। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 18। आपका छठा सवाल है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए कला, बी साहित्य, सी वास्तुकला, डी धर्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कला। आपका सातवां सवाल है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त। आपका आठवां सवाल है, गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी श्रीगुप्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी श्रीगुप्त। आपका नौवां सवाल है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए गौड़, बी कामरूप, सी वस्ता, डी वल्लभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गौड़। आपका दसवां सवाल है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? आपका ऑप्शन है ए आयुर्वेद, बी खगोल विज्ञान, सी जीव विज्ञान, डी भाषा और व्याकरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भाषा और व्याकरण। आपका ग्यारहवां सवाल है, विराट कोहली किस जाति के है? आपका ऑप्शन है ए धोबी, बी बनिया, सी पंडित, डी खत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी खत्री। आपका बारहवां सवाल है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? आपका ऑप्शन है ए हर्यक वंश, बी गुप्त वंश, सी मौर्य राजवंश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुप्त वंश। आपका तेरहवां सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी विक्रमादित्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। आपका चौदहवां सवाल है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? आपका ऑप्शन है ए राजराज, बी राजकुमार, सी विजयालय, डी आदित्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजराज। आपका पंद्रहवां सवाल है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका 16वां सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है
इस श्रावस्ती में भी कुशीनगर में सी बोधगया में डी लुम्बिनी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुशीनगर में। आपका 17वां सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए बोधगया में, बी लुम्बिनी में, सी कुशीनगर में, डी पाटलिपुत्र में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लुम्बिनी में। आपका 18वां सवाल है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र तृतीय, बी राजकुमार द्वितीय, सी पुलकेशियन द्वितीय, डी राजराजा प्रथम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजेंद्र तृतीय। आपका 19वां सवाल है, भारत में गुलाम राजवंश के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए कैकुवाद, बी इल्तुतमिश, सी बहमन शाह, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका 20वां सवाल है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? आपका ऑप्शन है ए कन्नड़, बी तमिल, सी तेलुगु, डी संस्कृत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तमिल। आपका 21वां सवाल है, दिल्ली में राज करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? आपका ऑप्शन है ए जीजाबाई, बी रजिया सुल्तान, सी राक्षसी महल, डी चांद बीबी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। आपका 22वां सवाल है, कोणार्क मंदिर का निर्माण कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 875 ईस्वी में, बी 700 ईस्वी में, सी 1025 ईस्वी में, डी 1250 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1250 ईस्वी में। आपका 23वां सवाल है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? आपका ऑप्शन है ए जयचंद, बी राजा जयपाल, सी फिरदौसी, डी पृथ्वीराज चौहान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजा जयपाल। आपका 24वां सवाल है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी फिरदौसी, सी बाबर, डी अबुल फजल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फिरदौसी। आपका 25वां सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए जयपुर में, बी मदुरई में, सी आगरा में, डी उड़ीसा में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मदुरई में। अब यह सवाल आप सभी लोगों के लिए है, आप सभी लोग इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर को, बी 2 सितंबर को, सी 2 जून को, डी 2 दिसंबर को। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।